सदर अस्पताल में जल जमाव के कारण मरीजों के परिजनों को काफी ही परेशानी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल से जल निकासी को लेकर कई बार उपाय भी किया, लेकिन जब जब हल्की बारिश भी होती है तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण का प्रकोप, वहीं दूसरी तरफ सदर हॉस्पिटल में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार तेज बारिश होने के कारण सदर हॉस्पिटल के रोड एवं मरीजों के वार्ड में पानी भर चुके हैं, जिसके कारण मरीज के परिजनों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही मरीज के परिजनों का कहना है कि जगह जगह वार्ड में पानी घुस चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी विधि व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब तो स्थिति और भयावह हो गई है, क्योंकि अस्पताल रोड के सामने जो आप देख रहे हैं, सब चीज़ तो वरीय पदाधिकारी लोग को डिसीजन लेना है। एक्चुअली हम लोग तो अस्पताल के अंदर तो बराबर जल की समस्या को झेल रहे हैं, और हमने इसके लिए मोटर की व्यवस्था की हुई है, जो कि अभी आप लोगों ने भी देखा है कि मोटर के द्वारा बाहर में पानी निकासी की जा रही है। लेकिन पानी तो अस्पताल में ही वापस आ रहा है। बात सही है कि पानी पुनः अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रही है, और रोड का भी स्थिति आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से, वहाँ पे भी भारी मात्रा में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अब इसके लिए तो